गुजरते वक्त के साथ बहुत से फैशन तेजी से मकबूल हो रहे हैं। इनमें एक फैशन टैटू का भी है। टैटूज वेस्टर्न कल्चर में तो पॉपुलर थे ही, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इनका रुझान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्पेशली अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो यंगस्टर्स भरपूर इंटरेस्ट लेते दिखाई देते हैं। मेरे साथ इस वक्त टैटू आर्टिस्ट मोइज हैं, जो क्लाइंट के हाथ पर टैटू बनवा रहे हैं। टैटूज के बारे में इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये बताएगा कि कितने अरसे से टैटूज के बिजनेस में है? मैं तक मैं 4 ईयर्स, मुझे तो बचपन से शौक था, और वैसे भी जब मैं छोटा था और मूवीज वगैरह में देखता था, टैटूज थे लोगों के बाजू पे, तो उधर से भी शौक काफी ज्यादा हुआ था मुझे। हमें बताएगा कि टैटूज होते कितने टाइप्स के हैं? टैटूज तो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लाइक जैसे जैपनीज होते हैं, अमेरिकन होते हैं, काफ़ी टाइप्स होते हैं टैटूज के। पोर्ट्रेट करवाते हैं लोग, जैपनी ट्रेडिशनल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। किस तरह की इंक यूज़ की जाती है और कौन सी खास मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है एक टैटू बनाने में? ये प्रॉपर USA से होती हैं, क्योंकि ये इंक्स होती है प्रॉपर टैटू इंक होती है, USA स्टैंडर्ड पे होती है, नीडल्स होती हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट डिस्पोजेबल होता है। कितनी मेहनत लगती है और कितना हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है एक टैटू बनाते वक्त? टैटू बनाते वक्त सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो करना चाहिए वो होता है हाइजीन पे, जो आप पे नीडल यूज़ हो रही है, इंक यूज़ होती है, वो प्रॉपर डिस्पोजेबल होनी चाहिए, जिससे आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। टैटू बनाने में कितना टाइम लग जाता है, क्या साइजेस होते हैं, क्या फॉन्ट यूज़ किया जाता है? हर टैटू पे डिफरेंट टाइम लगता है, डिफरेंट स्टाइल होते हैं, डिफरेंट टाइम लगता है। अभी जो मैं टैटू कर रहा हूँ इस पे रिकमेंड 14 मिनट्स लगेंगे। किस तरह के क्लाइंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं टैटूज, खुद डिज़ाइन लेके आते हैं या आप लोग उनको सजेस्ट करते हैं? जी हम भी सजेस्ट करते हैं उनकी बॉडी के हिसाब से, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, और कुछ लोग खुद भी लाते हैं। और ज़्यादातर लोग अब, पहले था मतलब के लोग मीनिंग पे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अब के जो जनरेशन वो कहते हैं सिर्फ बॉडी पे टैटू होना चाहिए। आपने भी टैटूज बनवाए हैं, जो आपने टैटूज बनवाए हैं वो कैसे हैं? कुछ मैंने खुद की है और कुछ फ्रेंड्स आर्टिस्ट ने जो उन्होंने की होंगे। अभी आपके हाथ में जो मशीन है, कहाँ से मंगवाई गई है ये मशीन, क्या प्राइस है इसकी, और क्या आपने स्पेशल ट्रेनिंग ली है टैटू बनाने की? जी कुछ मैं खुद से भी सीखा था और कुछ मैंने मतलब लाइक यूट्यूब से और कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी ली थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में टैटू बनाने की बकायदा तरबियत दी जाती है, यानी हम खुद भी ट्रेन करते हैं। मुझे टैटू के प्राइस रेंज के बारे में बता दें, क्योंकि लोगों का टैटू से डर तो आई थिंक उतर चुका है आपकी वीडियो देखने के बाद, कि पेनफुल तो नहीं है। टैटू के स्टाइल्स के बारे में भी आपने बताया, मुझे प्राइस रेंज बता दें कि प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? प्राइस कुछ एक नहीं है प्राइस, क्योंकि का अगर जैसे डिज़ाइन हो, जैसे आप कोई पोर्ट्रेट करवाते हैं वो आपके 80+ का भी होता है, और आप अगर आप फुल स्लीव कराते हैं वो आपकी मतलब 2 लाख 3 लाख तक भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने टैटू बनानी है लेकिन अब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको रिमूव करना चाहता है, तो क्या प्रोसीजर होता है उसको रिमूव करने का, और क्या रिमूव किया जा सकता है, क्या कॉस्ट होती है? रिमूव करने का होता ही होती है लेज़र, लेज़र से ना ये रिमूव होता है, लाइक सेशन बाय सेशन होता है, एक सेशन होता है देन वो हील होता है, फिर एक सेशन होता है। और जो कुछ लोग होते हैं मतलब कि वो टैटू से जैसे तंग आ गए, उनको नहीं पसंद, वो उसको चेंज करवा सकते, टैटू के ऊपर नया टैटू बन जाता है, वो कवर हो जाता है पुराना टैटू। यहाँ पर मोइज ने हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी टैटूज़ के बारे में। एक क्लाइंट भी हैं जो टैटू बनवा रही हैं और बहुत ही खूबसूरत टैटू बना है इनके हाथ पर, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज़ा है। फिरोज़ा, क्या टैटू बनवाया आज आपने अपने आर्म पे? एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, तब बड़ा कभी टैटू नहीं बनवाया, बट लाइक इसका लाइक एक जॉ टाइप है, एक लड़की है, एनिमे करेक्टर है, एंड वो ब्रेक हो चुका है, एंड देन उसका जो हॉर्न है वो भी लाइक ब्रेक, लाइक इट्स लाइक के वो पहले यू नो किसी प्रिजन के अंदर थी, बट नाउ शी इज़ लाइक एम्पावरमेंट आ रही है उसके अंदर के, लाइक नो ब्रेक थ्रू कर रही है। सो यू नो उस तरफ से लोग ना डरते हैं कि लाइक पेनफुल होगा या ये इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, तो जब मैंने बनवा के गई उन्होंने देखा, सो लाइक देवर लाइक कुछ भी नहीं हुआ ये वो, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो आगे से कहती है कि ठीक है। सो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मैंने उसका भी इनिशियल बनवाना है, उसने मेरा बनवाया हुआ है, और देन बाकी जो फ्रेंड्स हैं। अगर आपकी उसके साथ दोस्ती टूट गई तो इनिशियल कैसे रिमूव करवाएंगे? वो नहीं करवाऊंगी ना, वो लाइफ में एक मेमोरी होगी जब देखूंगी कि ओके ये भी थी है ना, इस टाइप का। तो लड़कियां टैटूज बनवाना चाहती हैं लेकिन थोड़ा बहुत मेरी तरह डरती है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? इट्स लाइक कि ना जैसे एक चुटकी नहीं कोई काटता, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा देर के लिए कर लें, बस इतनी सी दर्द होती होगी, और आई थिंक लाइफ एक ही है, जो आपका दिल करता है आप कर लो। वो कहते नहीं जो डर गया सो मर गया। मोइस ये बताएगा, जैसा कि अभी फिरोज़ा ने बताया कि बारकोड, हार्ट बीट और इन्फिनिटी साइंस, इस तरह के टैटूज बहुत पॉपुलर हैं, तो आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली उनकी क्या डिमांड्स होती है जब वो आपसे पूछते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? कोई पॉपुलर टैटूज है 4-5 जो आप मेंशन कर सकें? फीमेल्स वो ज़्यादा करवाती हैं, बर्ड्स करवाती हैं, फैदर करवाती हैं, बटरफ्लाई करवाती हैं फीमेल्स जो ज़्यादा,
वो मेल्स में होते हैं, वो लाइक फुल स्लीव के बारे में जाते हैं, जैसे मेरी हुई है, वो उनका यही होता है कि हमें फुल स्लीव चाहिए, फोर आर्म चाहिए। टैटू आर्टिस्ट मोइज और जो क्लाइंट है फिरोजा, उन दोनों से अभी हमने गपशप की और उन दोनों ने हमें बताया कि टैटू बनाते वक्त जो एक थॉट होता है माइंड में कि बहुत पेनफुल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बियरेबल पेन के साथ टैटूज बनाए जाते हैं, टैटू डिफरेंट टाइप्स के हैं, इनको रिमूव भी किया जा सकता है। और अब वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में पॉपुलर होता जा रहा है एक कल्चर जिसके लिए USA ख़ास जो मशीनरी है, इंक है, वो लाई जाती है, लेकिन आर्टिस्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर टैटूज बनाने की।